हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बूस्ट अप। जनरल नॉलेज वाले सीरीज में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे जनरल नॉलेज वाले सीरीज में भारत के प्रमुख कृषि क्रांति और संबंधित उत्पादन, लिस्ट ऑफ इम्पोर्टेंट एग्रीकल्चर रिवोल्यूशन इन इंडिया। ठीक है गाइज, तो हम लोग देख लेते हैं पहले भारत की कृषि क्या होती है और भारत की कृषि में क्या क्या होता है। तो भारत में सबसे पहले कृषि क्रांति जो एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन हुआ था, उसकी शुरुआत हुआ था 1966 से 67 में। ठीक है, उसको हरित क्रांति माना जाता है, जिसका जनक थे एस.एम. स्वामीनाथन जो थे। इस क्रांति के कारण भारत खाद्य उत्पादन में आत्मनिर्भर हो गया, पहले आत्मनिर्भर नहीं था। कृषि क्षेत्र में हुए शोध विकास, तकनीकी परिवर्तन एवं अन्य कदमों की श्रृंखला को संदर्भित करता है। ठीक है, जितना भी जो भी विकास हुआ है, तकनीक हुआ है, वो क्या अन्य विकास की श्रृंखला को वो प्रदर्शित करता है, जिसके परिणाम स्वरूप पूरे विश्व में कृषि उत्पादन में अभूतपूर्व वृद्धि हुई। इसी के स्वरूप अभूतपूर्व वृद्धि हुई है। इसके बाद भारत में कृषि से संबंधित अनेक क्रांतियां हुई। ठीक है, भारत की कृषि देखिए, भारत का कुल क्षेत्रफल के 51% भाग खेती, 4% भाग चारागाह और 21% भूमि वन है और 24% भूमि बंजर है। ठीक है, टोटल 100% जो भूमि है इंडिया का, उसमें 51% पे खेती होता है, 4% भाग पे चरवाहा सब चराते हैं खेत को, ठीक है, मवेशियों को, और 21% भूमि में जंगल है, वन है, 24% जो है वो डिजर्ट टाइप का है, बंजर है, जिसपे कुछ भी नहीं है तथा बिना उपयोग की भूमि है ये सब 24। किसी कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ है, कृषि से ही भारतीय की जो अर्थव्यवस्था है उसकी रीढ़ है, बैकबोन है उसकी। ऋतुओं के आधार पर फसलों का वर्गीकरण देखिए, ऋतुओं के आधार पर किस तरह से फसलों का वर्गीकरण किया जाता है, तो ये चार तरह का होता है। पहला होता है रबी फसल, जिसको हम लोग कहते हैं, यह फसल अक्टूबर और नवंबर में बोई जाती है। देखिए, अक्टूबर और नवंबर के महीने में जो फसल बोई जाती है और अब मार्च अप्रैल में उसको काट ली जाती है, जैसे गेहूँ, जौ, चना, मटर, सरसों, आलू, राई इत्यादि, ये सब जो भी खेती होती है ये अक्टूबर नवंबर में की जाती है और ये अप्रैल और मार्च के महीने में फसल तैयार हो जाता है, इस वहाँ से कटाई हो जाती है फसल, इसको रबी फसल हम लोग कहेंगे। नेक्स्ट है हमारा खरीफ की फसल। ठीक है, खरीफ की फसल यह जून जुलाई में, देखिए जून जुलाई में बोई जाती है और नवंबर दिसंबर के महीने में इसको काट लिया जाता है, इसको हम लोग कहते हैं खरीफ की फसल, जिसमें धान, गन्ना, कपास, मक्का, तिल, ज्वार, बजरा इत्यादि, इस ये सब खेती जो भी होता है, ये सब चीज़ खरीफ की फसल कही जाती है। नेक्स्ट है जायद की फसल। जायद की फसल मार्च अप्रैल महीने में बोई जाती है और जून जुलाई में काट ली जाती है, ये इसका जो समय होता है, ठीक है, ये बहुत ही कम समय में तैयार होता है, जैसे जितने भी ये सब्जियां वगैरह हो जाती है, इसके अंदर सब्जियां मक्का, तरबूज, अरबी, ककड़ी, भिंडी इत्यादि जो भी हो जाती है, ये सब इसमें हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट आता है नकदी फसल। नकदी फसल वो फसल होता है जिसको व्यापार के उद्देश्य से किसानों द्वारा की जाती है, व्यापार के उद्देश्य, क्योंकि उसको तुरंत हम लोग उपजाते हैं और उसको सप्लाई कर दिया जाता है मार्केट में, यानी कपास हो गया, गन्ना हो गया, तंबाकू हो गया, जूट हो गया, ये सब नकदी फसल में आते हैं। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग कौन कौन सा हमारा रिवोल्यूशन हुआ है भारत में, कृषि के क्षेत्र में कौन कौन सी क्रांति हुई है। पहला है जो हरित क्रांति, जो खाद्य उत्पादन यानी ज़्यादातर धान गेहूँ के उत्पादन पर इस पर ध्यान दिया गया था और इसके जनक हैं एम.एस. स्वामीनाथन। ठीक है, यहीं से हमारा हरित क्रांति यानी कृषि का शुरुआत हुआ। नेक्स्ट है श्वेत क्रांति। श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन से है, इसके जनक जो थे वो थे डॉक्टर वर्गीस कुरियन थे। ठीक है, नेक्स्ट है पीली क्रांति। पीली क्रांति जो है तिलहन से उत्पादन संबंधित है। देखिए, ये सारा एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, किस चीज से संबंधित है, हरित क्रांति के जनक कौन है। ठीक है, ये सब क्वेश्चन पूछा हुआ है। पीली क्रांति तिलहन उत्पादन से है, इसका भूतपूर्व प्रधानमंत्री जो थे हमारे राजीव गांधी, इसके जनक है। भूरी क्रांति जो है ये उर्वरक से रिलेटेड है। ठीक है, उर्वरक जो भी खाद वगैरह होता है उससे भूरी क्रांति है। नेक्स्ट है नीली क्रांति जो है मत्स्य उत्पादन यानी मछली पालन से है, इसके जनक है अरुण कृष्णन। लाल क्रांति जो है टमाटर या मांस उत्पादन से है, इसके जनक है विशाल तिवारी, यहाँ पे तिवारी हो गया विशाल तिवारी। नेक्स्ट है खाद्य श्रृंखला, यहाँ पे जो खाद्य श्रृंखला क्रांति जो है वह है भारतीय कृषकों को 2020 तक आमदनी को दुगुना करने से संबंधित है, कि 2020 तक किसके जितने भी कृषकों हैं उनकी आमदनी को दुगुना करने से ये संबंधित है खाद्य श्रृंखला क्रांति। नेक्स्ट है वाइट गोल्ड क्रांति, ये कपास उत्पादन से, ठीक है, ये तीसरी क्रांति इसको हम लोग कहते हैं। नेक्स्ट है ग्रीन गोल्ड क्रांति, जो ग्रीन गोल्ड क्रांति है वो चाय उत्पादन से है। नेक्स्ट है परामणि क्रांति, ये भिंडी उत्पादन से है। मुख क्रांति जो है वो मोटे अनाज के उत्पादन से है।
हरित सोना क्रांति जो है वो बांस उत्पादन से है, ठीक है, ये सब चीज संबंधित है। ये सब चीज क्वेश्चन तो पूछा हुआ नहीं है, लेकिन पहले वाला जो भी स्लाइड में था क्वेश्चन वो सारा पूछा हुआ था एग्जाम में। नेक्स्ट है गोल्डन फाइबर क्रांति, ये देखिए जूट से, गोल्डन फाइबर जो है जूट से ये संबंधित है। स्वर्ण क्रांति जो है ये एग्जाम में पूछा हुआ है, फल या शहद उत्पादन से संबंधित है ये। सिल्वर फाइबर क्रांति जो है वो कपास उत्पादन से है और इंदिरा गांधी उसके जनक थी। सदाबहार क्रांति जो है ये कृषि जैव तकनीकी से संबंधित है ये। सेफ्रॉन क्रांति जो है केसर से, सेफ्रॉन क्रांति जो केसर से है क्योंकि केसर का जो कलर होता है वो सेफ्रॉन कलर का होता है, केसरिया कलर का होता है, इसीलिए इसको सेफ्रॉन क्रांति इसका नाम दिया गया। नेक्स्ट है स्टेली या ग्रे क्रांति जिसको उर्वरक उत्पादन खाद उत्पादन जैसे ग्रे क्रांति अभी भी हम लोग देखे थे, ठीक है, तो ये था। नेक्स्ट है बादाम क्रांति, बादाम क्रांति किस बादामी क्रांति किसको कहा गया, मसाला उत्पादन जितने भी थे उसको बादामी क्रांति के अंतर्गत लिया गया है। सुनहरी क्रांति जो है वो फल उत्पादन से है, ठीक है। अब देख लेते हैं हम लोग वन बाई वन करके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। भारत में लंबे रेशे की कपास का आयात मुख्यतः कहाँ से होता है, लंबे रेशे कपास जो है वो कहाँ से आता है, वो संयुक्त राज्य अमेरिका से आता है इंडिया में। तंबाकू उत्पादन में भारत का विश्व का कौन सा स्थान है, तो भारत का विश्व में कौन सा स्थान है, तीसरा स्थान है। नारियल उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है, तो ये प्रथम उत्पादन है, सबसे ज्यादा नारियल होता है पूरा विश्व में इंडिया में। झूम क्या है, जो कि झूम क्या है, एक कृषि करने का तरीका को झूम कहते हैं, कृषि करने का एक पैटर्न है उसको झूम कहा जाता है। नेक्स्ट है कृषि को उद्योग का दर्जा देने वाला प्रथम राज्य कौन सा बना, महाराष्ट्र, महाराष्ट्र माना कि ये भी एक उद्योग में आता है जो कृषि उद्योग होगा। नीलगिरी के पहाड़ी क्षेत्रों में कौन सी फसल उगाई जाती है, तो देखिए नीलगिरी पहाड़ी क्षेत्रों में कॉफी का उत्पादन किया जाता है नीलगिरी के पहाड़ी क्षेत्रों में। नेक्स्ट है श्वेत क्रांति किससे संबंधित है, तो दूध उत्पादन संबंधित है, ये सारा क्वेश्चन एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट है गोल क्रांति किससे संबंधित है, तो देखिए ये आलू उत्पादन से, आलू उत्पादन के लिए चलाया गया था ये क्रांति। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सी क्रांति कृषि से संबंधित नहीं है, ये थोड़ा सा ऑप्शन इसमें गलती हो गया है, कृष्ण क्रांति जो है ये नहीं है इससे संबंधित। भारत राष्ट्रीय सरदार फल रसदार फल अनुसंधान केंद्र कहाँ है, देखिए फल रसदार फल अनुसंधान जो केंद्र है वो नागपुर में है। नेक्स्ट है अंगूरों की खेती के लिए कौन सा शहर प्रसिद्ध है, अंगूर सबसे ज्यादा कहाँ पे होता है, नासिक में होता है, अंगूर भी होता है, संतरा भी होता है, ठीक है, नागपुर में संतरा ज्यादातर होता है, नासिक में प्याज के लिए भी फेमस है। तिलहन प्रौद्योगिकी मिशन की शुरुआत कब हुई, ये 1986 में हुआ था। भारत का उर्वरक उत्पादन में विश्व में कौन सा स्थान है, तो उर्वरक उत्पादन भारत तीसरे नंबर पर है सबसे ज्यादा उर्वरक उत्पादन करने में। नेक्स्ट है दूध उत्पादन करने में भारत का कौन सा स्थान है, तो सबसे ज्यादा दूध उत्पादन करने वाला देश जो है वो भारत ही है हमारा, ठीक है। सब्जी उत्पादन करने में विश्व में भारत का कौन सा स्थान है, तो ये दूसरा स्थान है। नेक्स्ट है हरित क्रांति के जनक किसको कहा जाता है, तो ये है M.S. स्वामीनाथन, जैसे कि मैंने बताया हरित क्रांति के जनक। हरित क्रांति किस फसल से अधिक उपयोगी रही, किस फसल के लिए, जैसे कि मैंने बताया था पहले भी कि गेहूं और चावल के लिए ज्यादातर फेमस हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट है किस राज्य को भारत का धान्य भंडार कहा जाता है, तो पंजाब का कहा जाता है, ठीक है। तो ये थे सारे हमारे, अगर प्लीज अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।